अजमेर में आयोजित इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में दैनिक भास्कर ने मीडिया 11 टीम को 8 रनों से हरा दिया और अपने लीग मैच का पहला मैच जीत लिया। इस मैच में मीडिया 11 ने 72 रन बनाए, वहीं दैनिक भास्कर ने 2 विकेट खोकर जीत अपने नाम कर ली। इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस दैनिक नवज्योति के बीच खेला गया, जिसमें दैनिक नवज्योति ने पहली बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन बना लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम का एक भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम 56 रन से हार गई। अब इस टूर्नामेंट के अगले मैच रविवार को आयोजित होगा, जिसमें एक बार फिर चारों टीम आमने सामने होंगी। आज से इंटरमीडिया का सीजन 2 का आगाज हुआ। इसका उद्देश्य यही है कि आज जीवन के अंदर सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। मीडिया का तो आपको पता ही है, बहुत इस वक्त जो सबसे बिजी जो इसमें आता है मीडिया ही आता है। मीडिया के आधार पर ही पूरा जीवन हमारा चल रहा है, देश हमारा, देश सब कुछ मीडिया के ऊपर आधारित है हम लोग। तो मीडिया के लिए इस तरीके का टूर्नामेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछले साल इसका सीजन 2 फर्स्ट हुआ था, इस बार सीजन 2 किया। मेरा कहने का मतलब यही है कि मीडिया के इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ी बात है, और हमारा उद्देश्य ये है कि सब लोग एक साथ आए, अपने शारीरिक विकास करें और एक तरीके से फन इसमें सब लोग बड़े अच्छे तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे मीडिया के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। पहला मैच हुआ है मीडिया 11 और दैनिक भास्कर का, इसमें भास्कर विजय हुआ। ये दूसरा मैच है नवज्योति और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का।